शक्टार हंस पड़ा। बोले बस, तो ये छोटी बात है मंत्रीवर। नुकरे बस, बोले आपको पता है ये बना के कहता है या बने बनाए श्लोक याद करके लाता है, क्या बात है आपको पता है? बोले नहीं, ये तो बता ही रहा था श्लोक बनाता। सारे इधर उधर से इकट्ठे किए हुए श्लोक और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैं आपको ठीक कह रहा हूं, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? बोले एक आदमी एक श्लोक बोले, दूसरा भी सुना दे तो फिर क्या कहेंगे, उसका बनाया हुआ या कहीं से पढ़ा हुआ है? बोले फिर तो पढ़ा हुआ कहेंगे। अगर दूसरा उसी समय सुना दे तो इसका मतलब कहीं से पढ़ा हुआ है। बोले मैं सुनवा देता हूँ आपको इसके सारे श्लोक। आप कैसे सुनवा दोगे? बोले सुनवा दूंगा मैं। किससे सुनवा दोगे? बोले मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो हर रोज घर में ही गुनगुनाती घूमती रहती हैं। ऐसे ही बच्चे हैं, ऐसे ऐसे श्लोक पता नहीं कितने मैं सुनता ही नहीं, इतना समय कौन लगाए। सारे दिन ऐसे गुनगुन करती रहती हैं, कुछ कुछ एक दूसरे को सुनाती रहती हैं। तो ये थोड़े ये वाले श्लोक। बोले यही तो मेरे याद आ रहा, यही है। बोले नहीं जमी। बोले मैं कल बता दूंगा आपको, कल ये श्लोक पढ़ेगा ना, मैं अपने बच्चियों को ले आऊँगा, वो दोहरा के दिखा देंगे आपको, फिर तो मान लोगे। बोले हाँ फिर तो मान लूँगा मैं। बोले बस ठीक है। मामला क्या था, उसकी जो बड़ी बेटी थी यक्षा, उसकी इतनी तीव्र बुद्धि थी, वो कुछ भी सुन ले उसको तत्काल दोहरा देती थी। अभी भी ऐसे लोग हैं, कोई भाषा चाहे जर्मनी हो चाहे चाइनीज हो चाहे कुछ हो, कईयों की धारणा शक्ति इतनी प्रबल होती है, सुना और सुन के दोहरा देते हैं। अभी भी दुनिया में, उसमें भी ये योग्यता थी। और उसे जो छोटी वाली थी उसमें थी, दो बार सुन के दोहरा देती थी। और आगे बच्चियों की भी ये बात थी, सात बेटियां थी उसकी। बोले कल मैं अपने बच्ची को लाऊंगा और दोहरा के दिखा दे, मैं दिखवा देना। अगले दिन पंडित आए, उन्होंने धुआंधार श्लोक बोले सुनाए, और सुना के जब वो बैठ गए, शक्तार वाले बेटे यक्षा ये क्या पंडित जी ने सुनाया था तुम्हें आता है? बोले हाँ आता है, वो तो पढ़ा के लाए थे। बोले हाँ आता है, सुना सकती हो? बोले हाँ सुना दूंगे। बोले सुनाना जरा। उसने सारे श्लोक सुना दिए, राजा हैरान, सारी सभा हैरान। बोले ये क्या हुआ? पंडित जी कह रहे मेरे अपने सुनाए बनाए हुए श्लोक है, मैं तुरंत बनाता हूँ सुनाता हूँ, और ये क्या हुआ, इस बालिका ने जो है इस तरह से श्लोक सुना दिए। वो पूरे हुए, शक्तार ने दूसरी बेटी को कहा, बेटी तेरे को आते हैं ये? बोले आते हैं, सुना सकते? बोले हाँ। उसने सुना दी, दो बार सुन लिए थे पंडित जी, सुन लिए थे बहन से, सुन लिए थे, उसने सुना दिए, तीसरे ने सुना दिए। बात शक्तार की ये थी, वो नहीं चाहता था प्रजा का धन इन बातों में व्यय हो। उनका कहना था प्रजा का धन प्रजा पर खर्च किया जाए, ये राज्यसभा के मनोरंजनों में इनमें खर्च किया जाए ये नहीं चाहता था। इसलिए उसने यहाँ राजनीति का प्रयोग किया। अगर आप कहेंगे ये तो असत्य और ऐसे हुआ, ये राजनीति को धर्म नीति की बात तो थी, राजनीति की बात थी, उद्देश्य ठीक था उसका, उद्देश्य भला था, लेकिन तरीका राजनीतिक था। उसको हटाने का और कोई तरीका नहीं था कि राजा से सिफारिश करूं हटा दो, राजा तैयार नहीं होता, इसलिए ये तरीका अपनाना पड़ा। राजा ने उसी दिन छुट्टी कर दी। पंडित जी इतना बड़ा झूठ बोलते हो, इधर उधर से श्लोक पढ़ करके यार हमारे को सुना दिए, आज के बाद आपका यहां स्थान नहीं है, आप विद्वान हो इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, बस आपका स्थान नहीं है यहां। शक्तार ने ये काम किया जनहित में, किया प्रजा के लिए, लेकिन राजनीति से क्या, और कोई तरीका नहीं था कि उसको हटाया जा सके। उसको हटाए इसलिए कि धन नष्ट नहीं करना चाहिए, प्रजा का धन प्रजा के लिए हो। पर बात यूं है, व्यक्ति कभी अपनी कमी नहीं देखता, उसके अंदर हमेशा बदले की भावना होती है,
पंडित जी के मन में आए, अब मैं शक्तार को नहीं छोड़ूंगा, मैंने शक्तार को खत्म करना है। उसने क्या षड्यंत्र रचा, राजनीतिक बात, और इसके बीच में फिर स्थूल भद्र कहाँ से आए, वो बात समझने की होगी। जो हमारा मुख्य ध्येय है कथा का, उसकी चर्चा फिर समय के साथ। आज इतना ही। बंधु एवं श्रद्धाशील बाहर, आज यह आयोजन पूज्य गुरुदेव संघ शास्त्र शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के 108वें जन्म महोत्सव के ऊपर किया गया है। पूज्य गुरुदेव के आप सभी ने, अधिकांश भाई बहनों ने दर्शन किए और गुरुदेव का तथा पश्चिम विहार का तो एक ऐसा संबंध है, गुरुजी का जहाँ सुमरण होता है, पश्चिम विहार का नाम आता है, लिया जाता। पश्चिम विहार का इतिहास जब जब लिखा जाएगा, गुरुदेव का नाम जुड़ा होगा। गुरुदेव की महिमा यह पश्चिम विहार, दिल्ली का ये उपनगर तीर्थ बन गया। और मैं तो इस बात को अनेक बार कहता हूँ, दोहरा कर कहता हूँ, हमारा तो ये तीर्थ है। जब भी कोई प्रसंग होता है, मैं इसी रूप में इस भूमि को याद करता हूँ। और भी मैं कहता हूँ, सब भाई संतों के प्रति, साधियों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, समय समय पर अपने क्षेत्र में पधारने की विनती करते हैं, पर मुझे पश्चिम विहार आने के लिए विनती की कभी अपेक्षा आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हमारे ये तीर्थ है, हम तो यहाँ गुरुदेव को याद करते हुए बहुत हर्ष से और प्रसन्नता से आते हैं। यहाँ की तो दीवारों की और एक एक ईंट पर गुरु महाराज का नाम है और उनकी खुशबू।
तो बंधु वो आज हम गुरुदेव को श्रद्धा नमन करते हैं, उनके अनंत उपकार हैं। भगवती सूत्र में गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, भगवान ऐसा कौन है जिसका ऋण उतारा न जा सके। तब भगवान ने कहा, तीन व्यक्तियों का ऋण उतारना बड़ा कठिन है। माता पिता का और दूसरा वो व्यक्ति जिसने हमें जीवन में खड़ा किया, सहयोग दिया, योग्य बनाया, और तीसरे गुरु का उपकार, ये ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता। बस ऐसा ही सोचकर उन गुरुदेव के चरणों में पुनः पुनः वंदन और नमन करते हैं। बंधु और बहनों, गुरुदेव आदर्श महापुरुष थे। उनके जीवन का आपको निमंत्रण दे रहा हूं, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो और देखो कैसी उनकी विलक्षण बातें थी। बचपन से लेकर और जीवन के अंतिम समय तक उनका जीवन कितना महान और आदर्श रहा। उनके आदर्शों की कथा समय समय पर मैं उनके जीवन की बड़ी अद्भुत और विलक्षण बातें। बंधु जब स्कूल में पढ़ते थे, उनके एक मित्र ने कहा, रामकिशन चलो आधी छुट्टी हुई है, कुछ खाने चलते, साथ ही चलते हैं, चलो चलते हैं। साथ ही उनको हलवाई की दुकान पर ले गया और बोला, क्या खाना है? बोले, जो तू खिलाएगा वही खा लेंगे। ना ना, जो तेरी मर्जी, जो तेरी इच्छा हो। रामकृष्ण को लगा भाई ऐसा ये कह रहा है, इतने पैसे कहाँ होंगे? उन्होंने पूछा, तेरे पास पैसे? हाँ, मेरे पास पैसे हैं। कितने पैसे हैं? उसके पास 10 रुपये थे। उस जमाने में बंधु 10 रुपये, 10 रुपये का कुछ अर्थ था। रामकृष्ण ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से लाया तू? बच्चों को तो 2 पैसे रिकन नहीं मिला करती उस जमाने में, हमारे जमाने में भी मामला था। इतने पैसे कहाँ से लाया? वो बोला, पिताजी के पैसों से निकाले। अब आदर्श की बात है, रामकृष्ण उसी वक्त कहा, मैंने तेरी मिठाई खाने का, क्यों, क्या बात होगी? बोले, चोरों के पे, यह तो चोरी के पैसों की मिठाई है, मैं नहीं खाने का। बंधुओ, अब एक बाल मन को पढ़कर देखा जाए, एक बच्चा उस छोटी उम्र में और इस बात को सोचे,
मैं चोरी के पैसों की मिठाई खा सकता, आदर्श है। नहीं तो बच्चे ही होते हैं, बच्चों की तो बात आप समझ सकते हैं। आदर्श उनके जीवन में हमेशा रहा। बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, घर में थे, एक मित्र मिलने के लिए आया, क्लास फेल हो रहा था वह, उसको कहीं जाना था, ट्रेन रोहतक से मिलनी थी, वो मिलने के लिए आ गया। पूछा कहाँ जा रहा है, बोला पिताजी ने बुलाया है, पिताजी दूर नौकरी करते थे। बोले और, बोले घर की हालत खराब है, वहाँ जा कर के पिताजी नौकरी लगवा देंगे। बातों से लगा इसकी स्थिति गंभीर है, इसकी कुछ इमदाद करनी चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, रामकृष्ण ने चुपचाप, उस जमाने में बैग और ये तो बहुत बड़े लोगों की चीज थी, लोग झूला रखा करते, उसके पास भी झोला था, चुपचाप उसके झोले में 50 रुपये डाल दिए इमदाद की। न कुछ कहा कि मैं तेरी मदद कर दूँ, उस ले ले, क्या चाहिए तुझे, कुछ नहीं, चुपचाप रख दिए। टाइम हुआ चला गया, आगे उसने अपना सामान निकाला तो पैसे निकले। ये पैसे कहाँ से आए, मेरे पास तो थे नहीं इतने पैसे, मैंने तो रखे भी नहीं। सोचने के बाद लगा ये रामकृष्ण ने रखे, ये उसका कार्य है। ठिकाने पहुंच कर उसने पत्र लिखा, एहसान प्रकट किया कि मैं बहुत ज़रूरत में था, पर मैं तुमसे मांग नहीं सका और तुमने मेरी मदद करी, मैं बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।